क्या ऐसा बड़ा होने वाला है जो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं? अगर दिल्ली गिरेगा तो बीजिंग को साथ में सुला के जाएगा। भारत के बाहर के लोग, उन्होंने हमारा ये नामकरण किया बेस्ड ऑन सम ज्योग्राफिकल फीचर। हमारे पूर्वजों ने हमारा नाम इंडिया नहीं रखा। जैसे आप बहुत अच्छे प्रिडिक्शन करते हो, ये सेक्युलरिज्म का फ्यूचर क्या लगता है? जो काबा जो है वो और हमारे गुजरात के सोमनाथ की लाइन एंड लेंथ जो है एकदम पैरेलल आती है, तो इस पर रिसर्च होना चाहिए कि अगर 12 ज्योतिर्लिंग इनर इंडिया में थे तो क्या 12 ज्योतिर्लिंग आउटर इंडिया में भी थे क्या? हम जैसे आज देख रहे हैं कि हमारे जितने भी ट्राइबल्स एरिया हैं वहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरीज बहुत बड़े स्केल पर क्रिश्चियन लोगों को बना रही है, या अलग अलग स्टेट में जो हो रहा है, आपको लग रहा है कि ये लोग वापस हमारे रूट्स में आ सकेंगे? और आ सकेंगे तो कैसे आ सकेंगे? हमारे साथ आज मौजूद हैं YouTube के बहुत ही फेमस जियो इकोनॉमिस्ट अंकित शाह। अंकित जी, वेदनम में आपका तहे दिल से स्वागत है। थैंक यू फॉर होस्टिंग मी। अंकित जी, जैसे हम सब जानते हैं कि अंकित जी बहुत ही अच्छे प्रेडिक्शंस करते हैं। अंकित जी, मोटा मोटा अभी जियो पॉलिटिक्स कैसा चल रहा है? सो लास्ट जितने भी अभी चेंजेस हुए हैं जियो पॉलिटिक्स में, जिसमें वर्ल्ड वाइड आप देख रहे हैं कि एक पूरा डीकोलोनाइजेशन का वेव स्टार्ट हो चुका है, और उसी के चलते आप देखोगे कि बहुत सारे जो हॉटस्पॉट्स क्रिएट किए गए थे वर्ल्ड वाइड, चाहे वो सऊदी अरेबिया या ईरान के बीच हो, इंडिया पाकिस्तान के बीच हो, चाइना ताइवान के बीच हो, यूरोप और रशिया के बीच हो, ये जितने भी आर्टिफिशियल हॉटस्पॉट्स क्रिएट कर दिए गए थे सिर्फ और सिर्फ डॉलर चालू रखने के लिए, अब वो सारे रिवर्स होने की प्रोसेस शुरू हो गई है। अभी जैसे हम देख रहे हैं कि एक मीटिंग चल रही है सऊदी अरेबिया में, जेद्दा में, जहाँ पे यूक्रेन रशिया की पीस अग्रीमेंट पे कुछ पॉइंटर्स पे वर्क चल रहा है, और बहुत ही अचंभे वाली बात है कि उसमें रशिया नहीं है वो मीटिंग में, और बाकी सारे बड़े बड़े पावर्स ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करते हुए इंडिया भी वहाँ पे है। और इंडिया की ये कोशिश रहेगी कि G20 समिट की जो लीडर्स मीटिंग है जो सितंबर में होनी है, उससे पहले एटलीस्ट कुछ सीज फायर अग्रीमेंट के लिए जो नेगोशिएशंस बिगिन होने चाहिए, एटलीस्ट एक लार्जर फ्रेमवर्क तो उससे पहले बन जाए, ये भारत की कोशिश रहेगी। और उसी के चलते ये मीटिंग रखी गई है, और उसमें सऊदी अरेबिया हो एज अ होस्ट, तो आई एम नॉट सरप्राइज्ड के मिडिल ईस्ट का जो एक डिप्लोमेसी में जो रोल है वो इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे, और उसका प्राइमरी रीज़न ये है कि US का जो ग्लोबल पॉलिसिंग रोल है फाइनेंशियल रीसेट के बाद पॉसिबल नहीं हो पाएगा, जिसका मतलब है कि जितने भी शत्रप्स हैं सारे रीजियंस के, उनको खुद अपनी लीडरशिप लेनी पड़ेगी, राइट? तो उसी में हम देखते हैं, और एक जो मैं लिखता ही हूँ जो मेरे प्रेडिक्शंस के हिसाब से कि जम्मू विल मीट जेरूसलम इन जेद्दा, राइट? तो अभी जेद्दा में ही वो मीटिंग हो रही है, तो यू शुडंट बी सरप्राइज के बड़े बड़े पैक्ट्स होंगे, और इसके आगे हम देखेंगे ताइवान वाला, और बहुत जल्द POK के बारे में भी कुछ सुनने को मिले, यही ख्वाहिश है। बिफोर 2024 इलेक्शन देखें, आई वुड नॉट से कि बिफोर होता है आफ्टर होता है, बट द फैक्ट इज़ कि अगर मैं पॉलिटिकल लीडर बन के सोचूं तो इलेक्शन के बाद करके मुझे क्या फ़ायदा? दैट्स ट्रू। तो दिस इज़ व्हाट जनरल बेसिक थॉट प्रोसेस आई एम टॉकिंग अबाउट। कब होता है दैट्स अ सेपरेट थिंग, बट इट्स मोर अबाउट द मिलिट्री टाइमिंग एंड ऑल्सो अबाउट के पाकिस्तान से इंटरनल रिस्पॉन्स आप कितना फिक्स कर सकते हो बिफोर हैंड, क्योंकि आजकल के जो वॉर्स होते हैं उसमें काइनेटिक एक्शन जो होता है वो लास्ट में होता है, तो नॉन काइनेटिक एक्शन से ऑलरेडी जब कंफर्म हो जाता है कि यही आउटकम आना है, उसके बाद काइनेटिक एक्शन शुरू होता है। तो आजकल के वॉर्स ऐसे ही होते हैं, और नेशंस डू नॉट ब्रेक एट द बॉर्डर्स, नेशंस ब्रेक व्हेन द सिविलाइजेशन आइडेंटिटी स्ट्रक फ्रॉम विद इन। तो ये जिसको हम हमारे जो एंशंट इंडिया के स्क्रिप्चर्स अगर आप उठा लें तो इसका रेफरेंस पाया जाता है कि कुट्टू युद्ध जिसको बोलते हैं, कुट्टू युद्ध और तुष्णीम युद्ध,
इज ऑलवेज बेटर देन जो प्रकाश युद्ध बोलते हैं, विच इज समथिंग विच इज अपेरेंट विजिबल, राइट? तो प्रकाश युद्ध इज ऑलवेज द एंड आउटकम, जो काइनेटिक एक्शन हम देखेंगे. तो उसके पीछे जो युद्ध कंप्लीट हो जाने चाहिए वो चल रहे होंगे. हमारी रिसर्च टीम आपके ऊपर रिसर्च कर रही थी, तो हमने देखा बालाकोट को भी आपने प्रिडिक्ट कर लिया था. पर हम बालाकोट पे आएंगे, उससे पहले एक इंटरेस्टिंग चीज़ हमने आपके ट्विटर हैंडल के स्टार्टिंग में ही देखी. आपने संविधान के प्रीएम्बल को कुछ चेंज कर दिया है, वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा. वो क्या है, मतलब क्या था थॉट प्रोसेस? जी, उसमें आई हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन 2.0 और देयर आर टू थिंग्स. वन इज के जो तीन वर्ड्स हैं सेक्युलर, सोशलिस्ट और डेमोक्रेटिक, उसको हटा के व्हाट आई एम सजेस्टिंग इज धार्मिक, फेमिनिस्ट, FAMILY, फेमिनिस्ट एंड ह्यूमनिस्ट. और दूसरा जो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन पे पोस्ट डाला था, जो पहला आर्टिकल है जिसको इंडिया दैट इज भारत विच इज़ रिटन यूनियन ऑफ स्टेट्स, उसको चेंज करके व्हाट आई एम सेइंग भारत दैट इज़ भारतवर्ष अ यूनियन ऑफ जनपदस. तो ये टर्मिनोलॉजी का डिफरेंस बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आप ईस्ट और वेस्ट का अगर आप डिफरेंस समझें धर्म और रिलीजन्स ऑफ फॉरेन ओरिजिन के बीच, तो आपको समझ में आएगा कि ये टर्मिनोलॉजी क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट है. सो इफ़ यू आर धार्मिक, देर इज़ नो नीड टू बी सोशलिस्ट, राइट? कि अगर आपको मंदिर का प्रसाद मिलना ही है, राइट, दैट एन्श्योर्स योर फूड सिक्योरिटी. एक ऐसी सिविलाइजेशन जहाँ पे बोला जाता है अतिथि, अतिथि माने वो जो बिना अतिथि बताए आपके घर आएगा और आप उसको खाना खिलाओगे, ऐसी सिविलाइजेशन को सोशलिस्ट होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, जहाँ पे स्टेट को कलेक्ट करना पड़े टैक्स कंपलसरी और फ्रीबीज इशू करना पड़े. तो समथिंग विच इज़ अ धार्मिक सिविलाइजेशन, उसको कॉन्स्टिट्यूशन में आपको स्पेस देना पड़ेगा अल्टीमेटली वन फाइन डे, बिकॉज ये तो पूरा हमने वेस्टर्न टेम्पलेट उठा के जो चिपका दिया 1947 बिकॉज ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ पावर, जो गलती हो चुकी थी, तो उसी के चलते ये डिफरेंस बहुत ज़रूरी है. दूसरा जो वर्ड है सेक्युलर, उसका भी कोई रेलेवेंस इसीलिए नहीं है बिकॉज ये इस वर्ड का जो ओरिजिन था वेस्ट में, दैट वॉज बेस्ड ऑन चर्च एंड मॉस्क ट्राइंग टू इंटरफियर विद द अफेयर्स ऑफ द स्टेट. जबकि इंडियन मंदिर का तो ऐसा कोई रोल था ही नहीं स्टेट गवर्नेंस में, कि किंग को ओवर पावर किया गया हो, ऐसा कोई रेफरेंस नहीं मिलता. इनफैक्ट किंग वुड आस्क एडवाइस फ्रॉम देम, राइट, एंड देन टेक अ डिसीजन. तो पूरा रिवर्सल है. तो हमें तो वो सेक्युलर वाले वर्ड का कोई एब्सोल्युटली देयर इज नो मीनिंग. और फिर सेक्युलर वर्ड का जो ओरिजिन है वो भी बहुत ज़्यादा अब नाउ डिबेटेबल हो चुका है. आप जानते ही हैं कि जहाँ से ये वर्ड ओरिजिन किया है वहाँ की बहुत सारी कंट्रीज़ में अब डिस्कशन चल रहा है, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ में सेक्युलर का मीनिंग होता है नो रिलीजन एट ऑल, राइट? और कुछ कंट्रीज़ जैसी हमारी हैं कि सबको अकोमोडेट करके चलो, दैट इज़ वॉट सेक्युलर मीन्स. तो उसके कुछ स्पेसिफिक लोगों को ज़्यादा अकोमोडेट करके चलो, हाँ, वो तो कुछ ज़्यादा ही हो चुका है, जिसको आप एक एक तरह से इस्तेमाल हुआ है उस कॉन्सेप्ट का, इलीगल्स को अंदर ला के बसा के नेटिव्स को रेफ्यूजी स्टेटस बनाने का एक आउटकम हो चुका है इसका. तो ये वर्ड का भी, और आप जानते ही हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के स्टार्टिंग से नहीं था. ये वर्ड्स बाद में ऐड किए गए हैं बाय इंदिरा गांधी 1971. तो उसका चेंज तो बनता ही है. और तीसरा जो वर्ड है डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक, तो दैट इज़ ऑल्सो वेस्टर्न टेम्पलेट. देर इज़ एब्सोल्युटली नो एम्पिरिकल एविडेंस कि डेमोक्रेसी इज़ द ओनली बेस्ट फॉर्मेट ऑफ गवर्नेंस. ना ही मिडल ईस्ट में है, ना ही चाइना में है, ना ही रशिया में है. प्रोबेबली अबाउट 60-70% ऑफ द अर्थ डज नॉट हैव डेमोक्रेटिक प्रोसेस. और जहाँ पे क्लेम किया जाता है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, वहाँ भी यू आर सीइंग दैट हाउ प्राइवेट सेक्टर हैज़ ओवरटेकन द गवर्नेंस इनडायरेक्टली. तो इस वर्ड को भी चेंज होना ज़रूरी है. अब बच जाता है जो मैंने लिखा है भारत दैट इज़ भारतवर्ष, व्हाई नॉट इंडिया, राइट? तो ये इसलिए क्योंकि इंडिया वर्ड का जो डेरिवेशन हमको बताया गया कि या तो फिर उसको कुछ ज्योग्राफिकल कोनोटेशन है कि इंडियन ओशन से या इंडस वैली सिविलाइजेशन से, तो ये तो इंडिया के, भारत के बाहर के लोग
उन्होंने हमारा ये नामकरण किया बेस्ड ऑन सम ज्योग्राफिकल फीचर. हमारे पूर्वजों ने हमारा नाम इंडिया नहीं रखा है. अभी तो इंडिया वो कुछ पार्टियों ने आई डॉट 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 कर सारी बदमाशी चल रही है. यू इमेजिन द काइंड ऑफ शेमलेसनेस इन टर्म्स ऑफ यू थिंक दैट यू ओन दैट वर्ड एंड देन यू थिंक दैट उसके द रिडिकुलसनेस कि आपको उसकी वजह से जीत जाओगे इंडिया नाम रखने से. आई मीन जस्ट लुक एट दैट थॉट प्रोसेस हाउ चीप दैट इज. तो ये जो है वी हैव नो ऑब्लिगेशन टू बी कॉल्ड और एड्रेस्ड बाय अ वर्ड विच समवन एल्स फ्रॉम आउटसाइड इज लुकिंग एंड टैगिंग अस विथ. सो वी वर नेम्ड भारत एंड व्हाट अवर एंसेस्टर्स नेम्ड अस दैट इज व्हाट वी शुड मूव फॉरवर्ड विथ. सो भारत दैट इज भारतवर्ष एंड नॉट यूनियन ऑफ स्टेट्स बट यूनियन ऑफ जनपदस. नाउ व्हाई आई एम सेइंग जनपदस. नेशन स्टेट का जो प्रिमिटिव मॉडल है वेस्टर्न टेम्पलेट वाला उसका जो स्टेट का कोनोटेशन है उसका मीनिंग होता है कि अगर तमिलनाडु से कोई बोलता है कि हमारे ऊपर हिंदी का इम्पोजिशन हो रहा है. ये कोनोटेशन आते ही इस वजह से हैं बिकॉज ऑफ दिस नेशन स्टेट कॉन्सेप्ट. अगर आप बोलोगे यूनियन ऑफ जनपदस देर इज़ नथिंग टू यू नो हाईलाइट एज अ डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन. क्योंकि जनपद वर्ड का मतलब ये होता है जहाँ जहाँ मेरी पॉपुलेशन के पैर जहाँ पड़ते हैं जनपद दैट इज़ माई सिटीजन राइट. तो ये जो पॉलिटिकल डिफ्रेंशिएशन जो है कि मैं अलग हूँ तुम अलग हो दैट कम्स फ्रॉम दिस नेशन स्टेट कॉन्सेप्ट विच इज़ हैज़ बिकम अ सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑल अक्रॉस द कंट्री. और आप जानते ही हैं कि कैसे राहुल गांधी जैसे कुछ लीडर्स हैं ममता बनर्जी है या साउथ के कुछ लीडर्स हैं कैसे खेलते हैं लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस के बीच. और बड़ी अचंभे सी बात है उनको इंग्लिश इम्पोज नहीं लगता है लेकिन हिंदी इम्पोज लगता है उनको. सो दीज आर द थिंग्स दैट वी नीड टू कम आउट ऑफ विच इज़ वाई आई पोस्टेड दैट कॉन्स्टिट्यूशन 2.0 वेयर वी शुड बिगिन विथ. ये होता है तो बहुत लोगों की दुकानें बंद हो जाएंगी. अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल शॉप्स एंड रिलीजियस शॉप्स रनिंग ऑन दिस. दैट्स ट्रू. तो आपको अब जैसे आप बहुत अच्छे प्रेडिक्शन करते हो ये सेक्युलरिज्म का फ्यूचर क्या लगता है. सी व्हाट आई सी इज सेक्युलरिज्म के कॉन्सेप्ट की वजह से यूरोप में जिस तरह से रेडिकल्स मिडिल ईस्ट से उठा के लाए गए और बहाना ये दिया गया कि लेबर का रिप्लेसमेंट है बिकॉज वी डोंट हैव बर्थ रेट्स. इस बहाने से दरवाजे खोले गए पॉलिटिशियंस लेफ्टिस्ट पॉलिटिशियंस के द्वारा. तो वन ऑफ द मेन रीज़न और क्योंकि ये सारी ज्योग्राफी में आप पाओगे कि जो भी लेबर वर्क होता है वो एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के पास होता है और वो बढ़ता ही चला जाता है. जैसे AC रिपेयर हो गया लैपटॉप रिपेयर हो गया राइट व्हीकल रिपेयर हो गया. तो ये सारे लेबर जॉब्स के लिए अगर आपको नहीं मिल रहे हैं बिकॉज योर बर्थ रेट्स आर लॉस्ट और एक एडवांसमेंट भी होता है इकोनॉमी का क्या यू बिकम नाउ वेल टू डू सो यू आर नॉट गोइंग टू डू दोज काइंड ऑफ वर्क्स. उसकी वजह से ये रेडिकल्स सेक्युलरिज्म के नाम पे जो यूरोप में घुसाए गए. और फिर आगे आप देखेंगे जो मैंने प्रेडिक्ट किया है कि क्रूजेड्स वापस होंगे यूरोप में और UK का पार्टीशन जो मैंने प्रेडिक्ट किया है बिफोर 2030 because of that separatist calls which are coming from London not just radical Islamist but also from the Scotland viewpoint. तो ये जो clashes वापस शुरू होने वाली हैं उसी में मुझे लगता है कि वहीं से secularism concept पे question mark लगना वहीं से शुरू हो जाएगा. और I would not be surprised अगर ये discussion उस हद तक जाए जहाँ पे ये thought आ सकता है वन फैमिली वन वोट वाला. ये हो सकता है एक ट्रांजिशन. और दूसरा ट्रांजिशन जो मैं देखता हूँ आफ्टर द क्रूजेड्स जो ऑलरेडी हम देख ही पा रहे हैं कि कैसे ग्रूमिंग गैंग्स जो हैं यूरोप में परेशान करती हैं टू लिटिल डॉटर्स एंड सिस्टर्स. तो उसके चलते जो गर्ल्स की जो मैरिज एज है वो कम कर रहे हैं वेस्टर्न नेशंस बिकॉज ऑफ दिस रेडिकल ग्रूमिंग गैंग्स. तो इस पे मुझे लगता है कि इस इज रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट द इंडियंस आल्सो हैड टू डू इन एंशिएंट टाइम्स ड्यूरिंग द रेडिकल इन्वेजन. जो हमने बालिका वधू वाला फॉर्मूला बनाया
शायद यूरोप भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है बिकॉज ऑफ द सेम रेडिकल प्रॉब्लम ऑफ ग्रूमिंग गैंग्स. तो मुझे लगता है कि सेक्युलरिज्म कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन मार्क वहीं से, जहाँ से ये वर्ड आया है वहीं से क्वेश्चन मार्क लगना शुरू होगा. अंकित जी, इंडिया में, भारत में, अब मैं इंडिया नहीं बोलूँगा भारत बोलूँगा, भारत वर्ष में ये जो सेक्युलर जमात है उन लोगों को हिंदुत्व वर्ड से बहुत प्रॉब्लम है. उनको लगता है अगर ये सनातनी हिंदुत्व वर्ड आ गया तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा. आपका क्या स्टैंड है, ये जो सनातन या हिंदुत्व है वो, बट ऑब्वियस अगर सेक्युलर जाएगा तो कुछ तो आएगा, और वो लोग ये जो हिंदुत्व को या सेक्युलरिज्म को बुरा गिनते हैं, व्हाट्स योर टेक ऑन इट? देखिए, हिंदुत्व से आई डोंट सी हिंदुत्व एज एनीथिंग डिफरेंट फ्रॉम हिंदू एज धर्म. और जो एंड दिस इज़, ये जो क्लासिफिकेशन किया गया या टर्मिनोलॉजी बनाई गई हिंदू, दैट इज़ ऑल्सो एज आई सेड एन आउटसाइडर टैगिंग यू एज हिंदू. वट वी ऑल आर एग्जैक्टली आर सनातनीस. और व्यूअर्स को यहाँ जानना ये ज़रूरी है कि हमारे जितने भी धर्म है जो भारतीय ओरिजिन के हैं, जैनिज़्म हो, सिखिज़्म हो या बुद्धिज़्म हो, इन तीनों के जो फाउंडर्स थे वो तीनों क्षत्रिय थे. तो ये बात तो उसमें तो कोई, देर इज़ नो डिस्प्यूट अबाउट इट. तो एक बात तो क्लियर है दैट वॉट एवर इट इज़ अबाउट सनातन, राइट. अब इनका जो विरोध है वो इस बात से है कि यू शुडंट बी एबल टू डिफेंड योर सेल्फ वेन दे कम ऑन यू. तो एक, आप जानते हैं कि जब भी आप बात करोगे बिटवीन द वायलेंस दैट वी सी विद द रिलीजियंस ऑफ फॉरेन ओरिजिन and the violence that ancient India talks about, which is good versus evil, that's the difference between the two. Religions of foreign origin jis violence ki baat kar rahe hain, wo baat kar rahe hain between believers and non-believers. Aur jo dharmik violence ki baat ho rahi hai, that is between good versus evil. So there has to be some evil to be fought. Otherwise, there is no scope for violence in dharma. तो अगर राम या रावण की बात हो रही है, या अगर आप महाभारत की बात करें between Pandavas and Kauravas, right? तो that is between good versus evil. जबकि religions of foreign origin बोल रहे हैं कि अगर आप non-believer है तो आप already evil है ही. काफिर हैं आप, काफिर. It's a blanket label on you that since you are not a believer, you are evil. So this is the difference between the two theories, between dharma and religions of foreign origin. और शायद ये जो आप foreign believers की बात कर रहे हैं, वो जो हमें divide and rule करना चाहते हैं, शायद ये सनातनी शब्द आ जाता है तो शायद वो भी नहीं कर पाएंगे. बिल्कुल, क्योंकि जैसे ही आप अपने cultural roots को पहचानना शुरू करोगे, तो अगर आप सीधा mirror में देख लोगे तो भी आपको पता लग जाएगा कि ये आँख नाक कान स्किन सब जो है वो सारा भारतीय है, कुछ भी बाहर से नहीं आया हुआ है. Nobody has come from Turkey or Iran or Saudi Arabia or Mongolia. तो वो खुद अगर शीशे में देख ले तो उनको पता लग ही जाएगा कि वो कहाँ से है. आई डोंट हैव टू से एनीथिंग, बट इट इज़ वेरी क्लियर दैट एक कालखंड में जो एक स्वॉर्ड से जो कन्वर्जन हुआ, उसी का रिवर्सल बहुत ज़रूरी है. क्योंकि जो रीनेमिंग की ये प्रक्रिया है कि अगर किसी को मैंने अहमद नाम दे दिया या किसी को अफजल नाम दे दिया या किसी को सेवियो रॉड्रिक्स बोल दिया या कुछ भी, यू नो, एनी फॉरेन नेम लगा देने से कुछ नहीं होता, बिकॉज अल्टीमेटली यू हैव टू कम डाउन टू व्हाट योर रियलिटी इज़. तो आपको लगता है ये रिवर्सल पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है. हम जैसे आज देख रहे हैं कि हमारे जितने भी ट्राइबल्स एरिया हैं वहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरीज बहुत बड़े स्केल पर क्रिश्चियन लोगों को बना रही है, या अलग अलग स्टेट में जो हो रहा है, आपको लग रहा है कि ये लोग वापस हमारे रूट्स में आ सकेंगे, और आ सकेंगे तो कैसे आ सकेंगे? देखिए, जो पूरा इंडियन सबकॉन्टिनेंट का एक रेडिकलाइजेशन प्रोसेस शुरू हुआ था, अगर आपको उसका रिवर्सल चाहिए तो सबसे पहले जो फेक एक्सपेरिमेंट रिलीजन के नाम पे जो क्रिएट किया गया है, एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी जिसको हम पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, पहले उस एक्सपेरिमेंट को क्लोज होना पड़ेगा, कोलैप्स होना पड़ेगा.
सो जो मुझे समझ आता है कि सबसे पहले जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला जो पोर्शन है, जो हमें हमारा हिस्सा है, जो हमें वापस लेना ही है, एक बार वो कंप्लीट होता है और उसके बाद उसका जो इकोनॉमिक रेपरकशंस हैं, पॉलिटिकल और सोशल रेपरकशन बाकी के पाकिस्तान में आएगा, उससे जो चेंजेस आएंगे, तब हमें एक विंडो खुलेगा यहाँ पे जहाँ पे वी कैन ब्रिंग बैक टू द ओरिजिनल कल्चरल रूट्स। इसके लिए स्टेट इंसेंटिव्स लगेंगे, इसके लिए कुछ पॉलिसी ट्वीक्स लगेंगे और एक गवर्नमेंट का इंटेंट भी लगेगा, राइट, एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल लगेगा। और दूसरा जो मैं देखता हूँ कि जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, जिसको हम सऊदी अरेबिया जानते हैं, तो जब मिडिल ईस्ट चल पड़ा है उस प्रोसेस पे जिसको हम डी रेडिकलाइजेशन बोलते हैं, जब वो आ रहे हैं मंदिर, योग और आयुर्वेद की तरफ, तो मुझे लगता है कि फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट के पास ज़्यादा कुछ ऑप्शन नहीं बनेगा सिवाय इसके कि वो अपना रूट्स वापस तलाशें, क्योंकि किसी का नाम चेंज कर देने से कुछ नहीं होता। अगर आपने रीनेमिंग किया है, जो कालखंड में पिछले ज़बरदस्ती से रीनेमिंग कर दिया गया था, तो आप जानते हैं कि फर्स्ट जनरेशन जो होती है रीनेमिंग की, वो अपना आइडेंटिटी खो देती है। सेकेंड जनरेशन जो होती है वो उस आइडेंटिटी का प्राइड खो देती है, और थर्ड जनरेशन जो है वो एंटी ओरिजिन हो जाती है, जिसका रिजल्ट हम आज देख रहे हैं। ट्रू, राइट। तो अगर इसका रिवर्सल होना है तो वी हैव टू कम अप विथ टू डू दिस इन अ सेलिब्रेटरी फॉर्मेट। तो सेलिब्रेटरी फॉर्मेट में आपको बताना पड़ेगा कि सनातन वे ऑफ लिविंग के क्या टेंजिबल बेनिफिट्स हैं आपकी लाइफस्टाइल में। ट्रू। तब जाके इनका जो कन्वर्टेड हैं उनका रूटीन लाइफ में कुछ चेंजेस आएंगे, दे विल बी इंस्पायर्ड टू डू दोज। नाउ इसके लिए सबसे पहले जो मैंने बताया कि डिस्कनेक्ट लगेगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। सो यू नो मिडिल ईस्ट से जब ये चेंजेस आएंगे, तो जो मैंने एक ट्वीट भी डाला था कि जो काबा जो है वो और हमारे गुजरात के सोमनाथ की लाइन एंड लेंथ जो है एकदम पैरेलल आती है, बिल्कुल वैसे टेंपल माउंट जो है इसराइल का, जेरूशलेम का, वो और केदारनाथ की लाइन एंड लेंथ सेम आती है। तो इस पर रिसर्च होना चाहिए कि अगर 12 ज्योतिर्लिंग इनर इंडिया में थे, तो क्या 12 ज्योतिर्लिंग आउटर इंडिया में भी थे क्या, इन द सेम सर्क्यूलर डिज़ाइन। इस पर रिसर्च होना चाहिए। और मुझे लगता है कि जैसे ही मिडिल ईस्ट वापस योग आयुर्वेद मंदिर से पूरा डी रेडिकलाइज हो जाता है, तो वो भी जानना चाहेंगे कि उनके फ्लैग पे अगर मून लगा है, तो क्या वो चंद्रवंशी थे जो भारतीय यहाँ यहीं से गए एंशंट इंडिया में। क्या जेरूशलेम वर्ड जो है वो उस वर्ड का ही डेरिवेशन है जिसको हम ईश्वर आलयम बोलते हैं, ईश्वर प्लस आलयम। तो जब मिडिल ईस्ट खुद अपने एंशंट कनेक्ट्स को खोजेगा, रिसर्च करेगा और वो शुरू करेगा इंडियन सब कॉन्टिनेंट से वापस जुड़ने को, तो मुझे लगता है कि उनका इन्फ्लुएंस से बहुत मदद मिल पाएगी इंडियन सब कॉन्टिनेंट को डी रेडिकलाइज करने में और घर वापसी कराने में। तो मुझे लगता है कि सऊदी अरेबिया और यूएई का बहुत बड़ा रोल रहेगा भारतीय महाद्वीप को वापस वही कल्चरल रूट्स में ले जाने के लिए। हमारे मंदिर तो वैसे भी अब वहाँ बनने ही लगे हैं जी। स्वामीनारायण संप्रदाय ले लो या कृष्ण ले लो जी। वो लोग उनको अप्रिशिएट करते हैं। मैंने तो अभी उनके एक प्रिंस की वो राम कथा में भी वीडियो देखी थी जी। तो इनको तो ये लोग काफिर नहीं बोलेंगे। सो द फैक्ट इज दैट कि जितनी भी थियोरीज हिस्ट्री की है उसमें बहुत सारे अब क्वेश्चन मार्क्स लग चुके हैं। और क्योंकि जब उनका खुद का मिडिल ईस्ट का रिवाइवल उस बात पे अब डिपेंडेंट हो चुका है कि कितनी कल्चरल टाइज उनकी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के साथ मिलती है, तो अगर उनका चाहे आप टूरिज़्म ले लो, तो मंदिर इकोनॉमी का आप जानते ही हैं कि उसका कितना इकोनॉमिक साइकिल में कितना बड़ा रोल है सनातन इकोनॉमिक्स मॉडल में। तो उसी के चलते मुझे लगता है कि एक बार जब इकोनॉमिक कोलैबोरेशन उस लिमिट तक बढ़ जाएगा, तो आई डोंट थिंक इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्रिंग बैक द इंडियन सब कॉन्टिनेंट टू द कल्चरल रूट्स।
और उसकी कुछ झलकियाँ अगर मैंने, क्योंकि अभी ट्वीट्स भी कुछ डाली हैं, उसकी कुछ झलकियाँ हमने देखी कि पाकिस्तान में ऑल ऑफ अ सडन प्राइम मिनिस्टर ने हायर एजुकेशन कमीशन अपने कंट्रोल में ले लिया है, और उसके बाद जो हुआ है 26 नई यूनिवर्सिटीज़ के लिए 26 नए बिल्स पास हुए हैं। तो ये मैंने 5 मंथ्स पहले प्रेडिक्ट किया था कि पाकिस्तान को एक्चुअली जो कटोरे लेके भीख मांगने जाता है उस वाले पैसे की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान को एक्चुअली अपना एजुकेशन सेक्टर रीवैम्प करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो रेडिकल्स ग्रेजुएट होके वही एजुकेशन फॉर्मेट में से बाहर आ रहे हैं। तो जो $100 बिलियन जितना मैसिव इन्वेस्टमेंट लगेगा एजुकेशन सेक्टर को रिलीजियस डॉक्ट्रिन से शिफ्ट करवाने के लिए, वो पाकिस्तान में भारत के अलावा और कोई देश उसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा, क्योंकि बाकी सारे देश चाहते हैं कि पाकिस्तान कटोरा लेके घूमे, राइट? भारत एक ही ऐसा देश है जो चाहता है कि पाकिस्तान वापस अपने जो कल्चरल रूट्स हैं, अपने अम्मी अब्बू बाहर ना खोजें क्योंकि बाजू में ही है, तो बाहर खोजने की उनको ज़रूरत नहीं। तो मुझे लगता है कि यूएई और सऊदी की जो अभी इन्वेस्टमेंट्स और हेल्प गई है पाकिस्तान को, उसके पैरेलल में ये जो एजुकेशन सेक्टर के बिल्स आए हैं और जैसे प्राइम मिनिस्टर ने हायर एजुकेशन कमीशन कंट्रोल में ले लिया है, मुझे लगता है कि ये वही घर वापसी के जो बिगिनिंग सिग्नल्स हैं वो शुरू हो चुके हैं। आपने जैसे प्रिडिक्शन की बात की, पाकिस्तान की बात की, हम जब आपका ट्विटर या आप पर रिसर्च करते हैं तो 2-3 बहुत बड़े प्रिडिक्शंस आपके दिखने मिलते हैं। एक तो है डोकलाम, बालाकोट एंड 370। सो वी वर क्यूरियस कि आपने ये प्रिडिक्शन किए कैसे, एक दूसरा इसके बाद क्या ऐसा बड़ा होने वाला है जो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं? हाँ, तो एक तो जो मेरे प्रिडिक्शंस हैं, एक तो कुछ है, आई डोंट नो यू विल कॉल इट स्पिरिचुअल, क्या है पता नहीं, आई माई सेल्फ डोंट नो व्हाट टू कॉल इट, वो तो है एक सिक्स्थ सेंस बोलो या जो भी है। बट उसके अलावा जो हिस्ट्री ऑफ नेशंस हैं, जो मुझे आई थिंक आई एम ब्लेस्ड टू नो अलॉट मैनी थिंग्स बेस्ड ऑन कनेक्टिंग द डॉट्स ऑफ द हिस्टोरिकल इवेंट्स, तो हिस्ट्री ऑफ ऑल नेशंस, दूसरा कैश फ्लो का इंटेंट मुझे समझ में आता है, एंड तीसरा जो ह्यूमन बॉडी लैंग्वेज जो मैं रीड कर पाता हूँ उसकी वजह से ये कुछ प्रेडिक्शंस, बहुत सारे हैं, आई थिंक मोर देन 150-200 प्लस जियोपॉलिटिकल प्रेडिक्शंस हैं जो सच हुए हैं। तो उसी के चलते आई थिंक आई वाज एबल टू डू दिस। जो अभी बहुत रीसेंट वाला जो था, जो न्यूज़ में चल रहा था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं जाएंगे ब्रिक्स समिट में, और दूसरा ये भी चला इंडिया इज़ अगेंस्ट ब्रिक्स, तो ये पूरा जो वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है, आई कुड क्लियरली सी दैट दीज आर लाइज। तो मैंने तभी लिख दिया था कि वो जाएंगे, तो वही होने वाला है और वो आ चुका है अब न्यूज़ में भी। तो एक जो मीडिया को उसका जो बिटवीन द लाइंस रीड करने का है वो स्किल है थोड़ा बहुत। और इन टर्म्स ऑफ यू आर आस्किंग व्हाट नेक्स्ट बिग प्रेडिक्शन, सो विच आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड एंड आई थिंक आई हैव टॉक्ड अ लॉट अबाउट इट, विच इज़ आई व्हाट आई से इज UAE will be the first Hindu country, as I say, and Saudi Arabia will be a Jewish majority, and Iran will be a Christian majority. उसके साथ साथ मैंने in terms of defense भी बताया है कि within few years UAE Air Force should be completely subsumed to be interoperable with the Indian Air Force. Saudi combat forces, you shouldn't be surprised that they will be training here and then ultimately becomes interoperable with the Indian Army. And then, of course, the Iranian Navy, because we have the Chabar port over there. So, ये कुछ predictions हैं जो मैंने डाले हैं। हमारे election से पहले India में क्या हो सकता है? 2024 से पहले। देखिए, हमारे पास list तो बहुत ज़्यादा है। मतलब हम तो चाहते हैं कि UCC आ जाए, right? Draft तो आ ही चुका है। और कुछ ऐसे acts जो हैं, जो नरसिम्हा राव के time पे आए, जिसको आप जानते हैं वक्फ बोर्ड वाला एक issue चल रहा है। दूसरा आप जानते हैं कि इस पर भी डिस्कशन चल रहा है रिगार्डिंग वर्शिप एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एंड द माइनॉरिटी कमीशन एक्ट, बिकॉज
देखिए फंडामेंटली आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि माइनॉरिटी कंस्टिट्यूट करने के लिए तो ये नंबर्स है ही नहीं. राइट, तो दैट कम्युनिटी डज नॉट हैव दोज नंबर्स टू लेबल देम माइनॉरिटी, राइट, फ्रॉम एनी एंगल. तो आई थिंक के बहुत सारी चीज़ें हमारे विश लिस्ट में तो है, अब उसमें से कितना कंप्लीट होता है दैट इज़ व्हाट वी नीड टू सी. वन ऑफ द थिंग्स आफ्टर, आई थिंक आफ्टर द राम मंदिर इवेंट, आई थिंक दिस शुड कम दैट द मंदिर्स नीड टू बी फ्रीड फ्रॉम द स्टेट कंट्रोल. ये तो मिनिमम है जो आई थिंक आना चाहिए. कुछ स्टेट में तो मेरे हिसाब से ये हो भी रहा है, उत्तराखंड हो या स्टेट वाइज इट इज हैपनिंग, बट आई थिंक वी नीड सम सेंट्रल एक्शन ऑन दिस, एटलीस्ट बिगनिंग ऑफ सम सेंट्रल एक्शन ऑन दिस. क्योंकि अगर आपको मंदिर इकोसिस्टम डेवलप करना है अंडर द सनातन इकोनॉमिक्स मॉडल विच आई टॉक अबाउट, जहाँ पे हम बताते हैं कि मिथिला अयोध्या लंका शुड बी अ कॉरिडोर, बिल्कुल वैसे थ्रू आउट सऊदी अरेबिया में भी प्राण प्रतिष्ठा तो होनी चाहिए. क्योंकि आप क्योंकि सन टेम्पल आप हर जगह पाएंगे, वर्ल्ड वाइड पाएंगे, नॉट जस्ट मिडिल ईस्ट. तो वो तो है ही, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का एक्सटेंशन है. बिल्कुल वैसे आप पाएंगे हर जगह महादेव का मंदिर, राइट. तो आई सी दिस मंदिर इकोसिस्टम एज समथिंग दैट कैन सीमलेसली कनेक्ट फ्रॉम सऊदी अरेबिया टू लाओस कंबोडिया एज अ ग्रेटर इंडियन सब कॉन्टिनेंट, एंड अयोध्या बींग द सेंट्रल सीट एज अ सेंट्रल नोड फॉर दिस सीमलेस कनेक्टिविटी अंडर दिस मंदिर इकोसिस्टम. और पाकिस्तान के पास फ्रेंकली स्पीकिंग अगर वो एंशियंट भारतीय मंदिर्स को रिवाइव करते हैं तो दिस इज द यू नो शॉर्टकट कैश फ्लो दैट दे कैन इमीडिएटली हैव, राइट. तो अगर वो उस प्रकार का कोऑपरेशन कुछ बन पाता है भविष्य में, तो आई थिंक इंडिया का टाइज पाकिस्तान के साथ उस हिसाब से भी बेटर हो सकता है. आपने पाकिस्तान की बात की, आपने सऊदी की बात की, आपने अलग अलग कंट्रीज़ की बात की. अभी जो रिसेंट इवेंट्स हम देख रहे हैं, जैसे सऊदी, वहाँ पे जो सालों से इस्लामिक लॉ थे उसमें रिफॉर्म किए जा रहे हैं. अभी इटली में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं. इससे हम देख पा रहे हैं कि इस्लाम, मुस्लिम्स जो हैं वो बहुत खफा हैं. तो ये जो सऊदी और इटली में जो चेंजेस आ रहे हैं उसको आप किस तरीके से देखते हैं? जब आप बताते हैं कि एक कम्युनिटी अनकंफर्टेबल है विद लुकिंग एट द चेंजेस विच आर कमिंग, तो वो अनकंफर्ट इस बात का है कि जो एक शो ऑफ स्ट्रेंथ वाला एक फॉर्मूला बन चुका था जो उनका रूटीन लाइफ में, वो उनसे वापस लिया जा रहा है. तो अगर वो फॉर्मेट जिसके लिए वो डिज़ाइंड हैं इतने सालों से रहने के लिए उसका रिवर्सल चल रहा है, तो एक गैप बन चुका है. अब उस गैप को आप किस चीज़ से फिल करोगे? तो वो फिल करने वाली चीज़ जब तक आएगी नहीं तब तक वो अनकंफर्टेबल फील करेंगे. मतलब सनातन में वापस आना पड़ेगा बेसिकली. देखो, कप आपने खाली किया तो अंदर आपने कुछ भरना पड़ेगा, दैट इज़ अ फैक्ट. तो उसी के चलते जो सऊदी अरेबिया में चेंजेस हैं वो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि इकोनॉमी अगर उनकी डाइवर्सिफाई नहीं हुई, क्योंकि तेल तो फ्री में निकल रहा है ज़मीन से, 25-30 साल का स्टॉक बचा है, उसके बाद क्या इकोनॉमिक्स करेंगे? फॉरेन की कंपनीज आ रही है, तेल ढूंढ रही है, पैक और मार्केटिंग भी वो कर रही है, बेच भी वो रहे हैं, राइट. आप बैठे बैठे बस यू आर एंजॉइंग द मनी. जब ये 25-30 साल का स्टॉक ख़त्म हो जाएगा तो फिर आप क्या करोगे? तो मुझे लगता है कि पूरे गल्फ में ये रियलाइजेशन आ चुका है कि अगर उन्होंने धार्मिक तौर पे डाइवर्सिफाई नहीं किया तो दे विल गो बैक टू कैमल्स. उनको वापस वो पाकिस्तान वाली हालत, वो पाकिस्तान की देख ही रहे हैं क्योंकि वहाँ से क्रूड ऑयल नहीं निकला है. तो पाकिस्तान वाला एक्सपेरिमेंट उनके सामने है कि हमारी ये भीख मांगने वाली हालत हो जाएगी इफ़ वी डोंट डाइवर्सिफाई एंड चेंज दिस रिलीजियस डॉक्ट्रिन. पर हमारे वहाँ के जो मुस्लिम्स हैं वो इस बात को नहीं समझ रहे हैं. आप जैसे रिसेंटली जो हरियाणा में इवेंट हुआ, एक चीज़ दिख रही है कि ये जैसे जैसे 2024 के इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं ये लोग कहीं ना कहीं थोड़ा पैनिक कर रहे हैं. और पैनिक में हम देख पा रहे हैं कि इंडिया के अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके की घटनाएं हो रही हैं, उसमें भी आप कोई पैटर्न देखते हो क्या? देखें, जब 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 कभी ऐसे इलेक्शंस आते हैं
तो इट्स अ बिग कंट्री, आप समझे 1.40 विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑन द प्लैनेट, राइट? तो जो मेरी समझ है, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो इतने सीरियस है, जो मतलब कोई बोल रहा है रिजीम चेंज और ये सब, मैं इसमें नहीं मानता। मुझे लगता है कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन और जिस प्रकार की डाइवर्सिटी है उसमें ये सब छोटा मोटा तो ये होते रहेगा, और स्पेशली जब इलेक्शन के टाइम पे, क्योंकि एक पोलराइजेशन हो जाता है कि माय कम्युनिटी योर कम्युनिटी काइंड ऑफ थिंग, और एक वोट बैंक का पॉलिटिक्स जो अपोजिशन पार्टीज चलाती हैं, आप जानते हैं इतने सालों से चल रहा है डिवाइड एंड रूल वाला, तो उसके चलते कुछ ना कुछ ऐसे इवेंट्स तो आते रहेंगे। अच्छा, दूसरा ये भी है कि एंटिसिपेशन है कि कुछ नए रिफॉर्म्स आएंगे जो उनको और अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तो उसके चलते थोड़ा बहुत रिएक्शन तो आएगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो चैनलाइज करते हैं गुस्सा, उसका कारण शायद वो नहीं है जो वो पर्सनली फील करते हैं, बट एक क्लैरिक्स का पूरा वर्ग है जो उनको सिखाया जाता है, जो उनको इंडॉक्ट्रिनेट करता है टू हेट द नॉन बिलीवर्स। तो मुझे लगता है उनका उनका जो रोल है इनकी लाइफ में जो क्लैरिक्स का, अगर वो कम हो जाता है तो एसिमिलेशन इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो मुझे लगता है कि यू नो, इन द लॉन्ग टर्म अगर आप एक कॉम्प्रिहेंसिव मॉडर्नाइजेशन ऑफ रिलीजियस टीचिंग बिल लेके आ सकते हैं, जहाँ पे आप मुस्लिम कम्युनिटी के यूथ जो हैं उनका जो पैशन है उसको चैनलाइज कर पाए टू अ मॉडर्न एजुकेशन, और उनका करिकुलम रीसेट कर पाए टू समथिंग विच इज़ कंटेम्प्ररी इन दिस वर्ल्ड, जिससे कुछ एक्चुअली इकोनॉमिक्स हो पाए, तो शायद उनको ये पत्थर ना फेंकने पड़े। तो मुझे लगता है कि स्टेट का भी एक रोल होना चाहिए कि आप वो पॉलिसी ट्वीक्स और इंसेंटिव्स दें, और मॉडर्नाइजेशन ऑफ रिलीजियस एजुकेशन की अगर बात हो रही है तो वो सिर्फ ना सिर्फ मैं पॉजिटिव इंटेंट की बात कर रहा हूँ, ना सिर्फ इनको ज़रूरी है, हमें भी तो हमारे गुरुकुल्स रिवाइव करने हैं ना। सही बात है, वी ऑल्सो हैव टू रिवाइव अवर गुरुकुल स्किल बेस्ड एजुकेशन फॉर्मैट, क्योंकि ये ब्रिटिश क्लासरूम फॉर्मैट तो कॉलेप्स कर रहा है। देर आर नो इनफ नंबर्स ऑफ जॉब्स टू जस्टिफाई दिस स्लेव मेकिंग ब्रिटिश क्लासरूम फॉर्मैट। तो हमें भी गुरुकुल्स रिवाइव करने हैं, इन्हें भी मॉडर्न पाथवे देना है टू हायर एजुकेशन विच ब्रिंग्स सम इकोनॉमिक सेंस। तो मुझे लगता है मॉडर्नाइजेशन ऑफ रिलीजियस एजुकेशन बिल इज समथिंग विच द स्टेट शुड टेक इनिशिएटिव ऑन। और फिर जहाँ तक ये उपद्रवी का सवाल है जो आपने अभी हरियाणा की बात की, तो मुझे लगता है कि अब टाइम आ चुका है कि हम कुछ ऐसा बिल लेके आए जिसको बोल सकते हैं कॉन्फिस्केशन ऑफ एंटी नेशनल प्रॉपर्टीज बिल। अगर कोई भी प्रिमाइसिस में हथियार पाए जाते हैं या ऐसा कोई कंटेंट पाया जाता है विच इज़ एंटी नेशनल, या कोई ऐसी स्पीचेस पाई जाती हैं चाहे वो रिलीजियस प्रिमाइस हो या नॉन रिलीजियस, अगर ये पाया जाता है तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि आप उस प्रॉपर्टी को अटैच करके कॉन्फिस्केट करें। तो एक वक्त आएगा जब ये एक्चुअली कंपल्सरी हो जाएगा करना, अगर आप चाहते हैं कि सामाजिक जो बैलेंस है वो बना रहे। तो मुझे लगता है कि चाहे वो किसके भी प्रिमाइसेस हो, किसी भी धर्म या मज़हब के हो, अगर हथियार पाए जाते हैं या कोई कंटेंट पाया जाता है या ऐसी स्पीचेस पाई जाती हैं, तो गवर्नमेंट को उसको कॉन्फिस्केट करना चाहिए देश हित में। अंकित जी, हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की, अभी इंडिया में जो मणिपुर में हो रहा है आपके हिसाब से एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है और उसका सॉल्यूशन कैसे आ सकता है? सो मणिपुर में जो हम देख रहे हैं इज अ कल्मिनेशन ऑफ अलॉट मैनी ऑफ ईयर्स ऑफ साबोटाज जो बाहर से हुआ है, उसमें बहुत सारी कंट्रीज का रोल है। एक जो एंगल जो ड्रग वाला हमें पता ही है कि कैसे जो कुकी समुदाय है उनका एक ऑक्यूपेशन रिलेटेड ड्रग का कार्टल का एक बिजनेस, जिस पर लास्ट कुछ मंथ्स और ईयर्स में बहुत एक्शन लिया गया, तो एक उसका फ्रस्ट्रेशन तो इकट्ठा हुआ हुआ था उस कम्युनिटी में। दूसरा आपने देखा कि कैसे जो मिशनरीज की फंडिंग होती है बाहर से, उस पर कुछ एनजीओ की फंडिंग और कुछ मिशनरीज की फंडिंग में सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ एक्शन आया,
there was no anti-conversion, we don't have an anti-conversion bill. But Foreign Currency Regulation Act वाले में जो Foreign Contribution Regulation Act में जो कुछ tweaks किए गए उसकी वजह से ये anti-conversion bill वाला effect आया, जिसका नॉर्थ ईस्ट में बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ है मिशनरी एनजीओज। आप हमारे व्यूअर्स के लिए इसको और थोड़ा अलाबरेट करके समझा सकते हैं ये ट्वीक्स वाला जो चीज़ है? तो जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जिसको बोलते हैं, उसके कुछ प्रोविजंस में माइनर ट्वीक्स किए गए। जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, जैसे अगर कोई फॉरेन कंट्री से रेमिटेंस होता है ये NGOs या ऐसी एंटिटीज़ के अकाउंट में, तो रिक्वायरमेंट्स डाली गई कि उसका रीजनिंग भी यूजेज का उसके अंदर मेंशन किया जाए। ठीक है, नाउ दिस जस्ट अ माइनर ट्वीक, बट इसका जो इम्पैक्ट आता है बहुत बड़ा आता है, राइट? जब भी अगर आपको कुछ रेगुलेट करना है या रिव्यू करना है या ऑडिट करना है तो उसका इम्पैक्ट आता है। तो उसी के चलते एक फ्रस्ट्रेशन तो पेंट अप हो ही चुका था, क्योंकि बहुत सारे एनजीओज और ऐसी एंटिटीज़ बंद होने लगी मिशनरीज फंडिंग का, जैसे मैंने बताया। और इसमें बहुत सारे नेशंस इन्वॉल्व्ड हैं नॉर्थ ईस्ट में। मुझे लगता है कि इसमें ओवर द इयर्स सबसे ज़्यादा रोल नॉर्वे और न्यूजीलैंड का था, मिशनरीज़ की फंडिंग की बात कर रहा हूँ मैं। ओके और ड्रग कार्टल बिजनेस का तो एक एंगल था ही, उसके अलावा म्यांमार से जो कुछ कुकी समाज समुदाय के साथ जो उनका लिंकेज था, क्योंकि अब वहाँ पे जनता गवर्नमेंट का रूल है, मिलिट्री जनता का, तो वहाँ से भी कुछ कनेक्ट्स हैं जो एंटी सोशल एलिमेंट्स जो वेपन्स और बहुत सारी चीज़ें सप्लाई करते हैं। तो मुझे लगता है कि काफ़ी सारे एलिमेंट्स मिलके ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये मैनिफेस्ट हुआ इन टर्म्स ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट। जहाँ तक इसके सॉल्यूशन का सवाल है, आप सब जानते हैं कि मेईतेई जो है समुदाय, दोज आर द रियल नेटिव्स ऑफ मणिपुर, लैंग्वेज भी उनकी है, ज़मीन भी उनकी है। तो आई शुड बी सरप्राइज्ड कि एक फिजिकल डिस्प्लेसमेंट का डेंजर वो परसीव कर रहे थे और उसी का डिफेंस उन्होंने भी किया। अब जैसा अटैक होगा वैसा डिफेंस भी होगा, राइट? तो लॉन्ग टर्म मुझे जो लगता है सॉल्यूशन में, जो मैंने बताया, जो इट्स अ यू नो मैक्रो सॉल्यूशन, के कॉन्फिस्केशन ऑफ इंटरनेशनल प्रॉपर्टीज बिल, दैट इज समथिंग विच द स्टेट्स कैन डू। दूसरा, जो रायटर्स को आप कंपनसेशन उनसे चार्ज करते हैं जितना भी पब्लिक प्रॉपर्टी या प्राइवेट प्रॉपर्टी डैमेज हुआ है, दैट इज अनदर मेथड दैट यू हैव। और तीसरा, मुझे लगता है कि सोशल बॉयकॉट भी हो सकता है रायटर्स का, इफ़ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई देम। तो योगी जी ने जैसे पोस्टर्स लगाए थे रायटर्स के, उसकी जगह उसके बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स आप बना सकते हो। जैसे सपोज आपने वोटिंग इंक गन का इस्तेमाल किया, वोटिंग इंक जो है वो स्किन पे रहती है फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है? तो एक सोसाइटल भी बॉयकॉट किया जा सकता है रायटर्स का, एज अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द सोसाइटी फॉर मेंटेनिंग द हार्मनी। तो ऐसे बहुत सारे टूल्स तो आप डिवाइस कर सकते हो इन दिस सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स विच आर हैपनिंग। तो इसको मुझे लगता है कि स्टेट पॉलिसी से बहुत कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं इसमें। शॉर्ट टर्म कोई पीस होता दिखाई दे रहा है आपको वहाँ पे मणिपुर में? मणिपुर में आई थिंक अभी तो जो फोर्सेज डिप्लॉयड है तो उसके चलते दे हैव काम डाउन पीपल, बट वंस द फोर्सेज विल बी आउट, I think the conflict will reignite in some or the other way. China का कोई रोल लगता है आपको इसमें? मुझे लगता है कि नॉर्थ ईस्ट में माओइज्म वाला जो एक दौर था वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये हो सकता है कि उस दौर का कुछ सप्लाईज, चाहे वेपन्स हो या मनी हो, वो अभी भी शायद सर्कुलेट कर रहा हो, लेकिन इन टर्म्स ऑफ रिन्यूड हेल्प और सप्लाई फ्रॉम द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, आई डोंट थिंक सो। आप इंडिया और चाइना के लॉन्ग टर्म रिलेशंस को कैसे देखते हो? जैसे अभी आप जानते हैं ये इतने अच्छे नहीं हैं, पर मुझे लगता है अगर इसको अच्छा किया जाए तो इंडिया का भी फायदा है और चाइना का भी। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? सो इंडिया एंड चाइना आर द यू नो ये ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है या वॉर है
जो पूरी दुनिया इसका ड्रीम देख रही है कब ये वॉर शुरू हो। हाँ, बट दो ही देश हैं जो नहीं चाहते वॉर, और वो है इंडिया और चाइना। तो आई थिंक जो बड़ी इकोनॉमीज होती हैं, जो इकोनॉमी सीरियस नेशंस होते हैं और इतने बड़े पावर्स होते हैं जिनका सिविलाइजेशनल हिस्ट्री भी है, एटलीस्ट इंडिया का तो सिविलाइजेशनल हिस्ट्री आप बोल सकते हो। चाइना ने भले वाइप आउट कर दिया हो उनका जो भी रिलीजियस या कल्चरल ओरिजिन का ट्रेस हो, मुझे लगता है कि ऐसी कंट्रीज डायरेक्ट फुल स्केल वॉर, वॉर शब्द, क्योंकि वॉर शब्द आजकल हर कोई मस्ती में लेता है, ऐसे ही डाल देता है कहीं भी, तो वॉर जब आप बोलते हो तो मुझे जो मीनिंग मैं डिराइव करता हूँ वो ये है, फुल स्केल ऑल थिएटर्स, फुल स्पेक्ट्रम, ऑल वेपन्स यूजेज। तो मुझे नहीं लगता इंडिया और चाइना के बीच ऐसा हो सकता है, क्योंकि बड़ी बिग सीरियस इकोनॉमी नेशंस जो होते हैं वो अपने आजू बाजू वाले जो छोटे नेशंस हैं उसको रेंट पे लेके वहाँ पे जो पंचेस ट्रेड करने हैं कर लेते हैं, चाहे वो नेपाल हो, भूटान हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो। तो आजू बाजू के छोटे नेशंस को आप भाड़े पे लेके वहीं पे आप फाइट कर लेते हैं जो भी करना हो, बिकॉज इफ़ यू फाइट अ फुल स्केल वॉर, एक तो उसका आउटकम क्या हो सकता है मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि चाइना को क्या आउटकम मिल सकता है या इंडिया को क्या आउटकम मिल सकता है। अगर मुझे कोई भी जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट मुझे टेंजिबल आउटकम दिखा दे तो मैं मान जाऊँ इस थियोरी को कि फुल स्केल वॉर हो सकता है। मुझे आज तक कोई टेंजिबल आउटकम निकलता हुआ नहीं दिखता, इसलिए नहीं दिखता क्योंकि एस्केलेशन लैडर जो उस तरह से उस स्पीड में ऊपर जाएगा, इफ़ यू आर टॉकिंग अ फुल स्पेक्ट्रम वॉर ऑल थिएटर्स, के म्यूचुअल अशॉर्ट डिस्ट्रक्शन कन्फर्म्ड है उस प्रोसेस में। तो अगर दिल्ली गिरेगा तो बीजिंग को साथ में सुला के जाएगा। सो ट्रू, राइट। तो मुझे नहीं लगता कि फुल स्केल वॉर वाला कोई सिनारियो है। अब रिलेशंस कैसे बेटर हो सकते हैं, तो मुझे लगता है कि एक कोलैबोरेशन जो इकोनॉमिक्स का हो सकता है, पर वो तब हो पाएगा जब ट्रस्ट फैक्टर बैठेगा। ट्रस्ट फैक्टर यानी ये, मैं ये नहीं बोल रहा कि वहाँ से वो बिल्कुल वो भी सो जाए तो चल जाएगा, यहाँ से हम सो जाएंगे तो चलेगा। नो, यू हैव टू बी अलर्ट, क्योंकि वॉर को खाली वॉर की प्रिपेयर्डनेस ही अवॉइड करती है। तो यू शुड ऑलवेज बी रेडी फॉर अ वॉर, फुल स्केल वॉर, तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन वन थिंग दैट यू कैन हैव इज, अगर वाटर्स फाइनलाइज होते हैं, क्योंकि ना सिर्फ इंडिया, देर आर टोटल 10 नेशंस डिपेंडेंट ऑन वाटर्स कमिंग फ्रॉम द टिबेटन प्लेट्यू जो चाइना के कंट्रोल में है। हाँ, तो ऑल ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल इंक्लूडिंग, टोटल 10 नेशंस डिपेंड ऑन द वाटर फ्लोज कमिंग आउट ऑफ द टिबेटन प्लेट्यू एंड द चाइनीज टेरिटरी। अब साउथ ईस्ट एशिया की कुछ नेशंस हैं जिसकी इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड भी BRI प्रोजेक्ट में आती है, मतलब चाइना ना सिर्फ वो रिवर्स पे डैम बना के वाटर कंट्रोल करता है उनकी रिवर्स पे, उनकी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी उन्हीं के कंट्रोल में है। तो ना वो कंट्रीज ये बोल पाते हैं कि आप डैम्स ना बनाओ वरना इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगा, राइट। ना वो बोल सकते हैं कि आप यू नो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई वाला ये बंद कर दो, वाटर फ्लो होल होने दो। सो बोथ वेज दे आर इन कंट्रोल, सम और द अदर इनडायरेक्ट कंट्रोल। तो मुझे लगता है कि जब तक वाटर्स फाइनलाइज नहीं होते तब तक बॉर्डर्स फाइनलाइज नहीं हो सकती। सो इंडिया चाइना बॉर्डर प्रोजेक्ट इज़ अ 10 नेशंस प्रोजेक्ट, दिस इज़ वॉट आई अंडरस्टैंड। कल मैंने ग्लोबल टाइम्स में पढ़ा कि चाइना का ये सोचना है कि फॉरेन कंट्रीज जैसे कि UK एंड US चाहती है कि इंडिया और चाइना के बीच पीस ना हो और ब्रिक्स जो प्रोजेक्ट है वो सही तरह से आगे एग्जीक्यूट ना हो। क्या आपको लगता है कि बिकॉज ऑफ ब्रिक्स जो प्रोजेक्ट है उसकी वजह से इंडिया चाइना के बीच कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है और कहीं ना कहीं चाइना भी अब समझ गया है कि हम इंडिया को सीधी तरह से शायद कुछ नहीं कर सकते तो दोस्ती कर लेनी ज़्यादा ठीक रहेगी? देखिए, मुझे लगता है कि अगर जो मैंने वो हॉटस्पॉट्स बताए आपको जिसमें POK और ताइवान है, तो मुझे लगता है कि एक कोलैबोरेशन वहाँ पे पॉसिबल है
इन टर्म्स ऑफ जब ताइवान कॉन्फ्लिक्ट होता है और चाइना को फेस करना पड़ता है फॉरेन डिप्लोमेटिक ऑनस्लॉट, और जब पीओके होगा तो एटलीस्ट कुछ छोटे मोटे नेशंस की तो कमेंट्स आएगी, तो वो भी एक डिप्लोमेटिक फेवर इंडिया को भी लगेगा। ताइवान के टाइम पे हम लोग साइलेंट हो जाए और पीओके के टाइम पे वो लोग साइलेंट, दैट इज समथिंग विच इज वेरी मच पॉसिबल, क्योंकि यूक्रेन, पीओके, ताइवान ये सारे हॉटस्पॉट्स जो डॉलर चालू रखने के लिए जो मैंने समझाया उसी के साथ आर्टिफिशियली क्रिएटेड हॉटस्पॉट्स, तो ये रिवर्स होंगे, तो एक कोलैबोरेशन वहाँ पे पॉसिबल है। और दूसरा, अल्टीमेटली अगर ब्रिक्स को सक्सेसफुल होना है तो मुझे लगता है कि शी जिनपिंग और पुतिन दोनों समझते हैं कि ब्रिक्स के कोई भी एप्लीकेशन या जो नए मेंबर्स आए हैं वो इसीलिए ज्वाइन किए हैं बिकॉज ऑफ द क्रेडिबिलिटी ऑफ द इंडियन गवर्नेंस। ट्रू, कोई नहीं चाहेगा अगर कल को पता लगे कि व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग आर गोइंग टू हैंडल द न्यू पेमेंट सिस्टम और द फॉर्मेट, ये सारे इफ दे आर गोइंग टू कॉल ऑल द शॉट्स, सारे ब्रिक्स मेंबर्स भाग जाएंगे फ्रेंकली स्पीकिंग। तो इट्स इनएविटेबल कि इंडिया का ब्रिक्स में बहुत ही बड़ा रोल उनको चाहे या ना चाहे रहेगा ही, राइट, चाहे वो चाहें या ना चाहें। तो उस ब्रिक्स के सक्सेस में और ग्लोबल साउथ की जो पूरी लीडरशिप इंडिया ने अभी ले रखी है उसके चलते आई थिंक इट्स इनएविटेबल के चाइना को कोलैबोरेट तो करना ही पड़ेगा। और टोन में काफ़ी कुछ चेंज आ ही चुका है, आप देख पाओगे कि अभी जो लेटेस्ट हेडलाइंस है उसमें भी ये वर्ड्स आते हैं, चाइना अर्जिज इंडिया, राइट, जो वर्ड्स पहले कभी नहीं दिखाई पड़ते थे। तो आई थिंक, और फिर अल्टीमेटली आफ्टर डी डॉलराइजेशन जब नेक्स्ट डिकेड में शी जिनपिंग हैज टू, या जो भी गवर्नेंस है उनका, वी डोंट नो वेदर ही विल बी देयर और नॉट देयर, पर प्रेजिडेंट फॉर लाइफ इज़ वॉट ही हैज साइंड, तो नेक्स्ट डिकेड में शी जिनपिंग को जब वो इकोनॉमिक्स में जाना है जहाँ पर डोमेस्टिक कंजम्पशन होगा तो वो सारी धार्मिक फेस्टिवल्स वापस चाहिए, राइट, वो मंदिर्स वापस रिवाइव करने पड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि इंडिया काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है वापस वो इन्फ्लुएंस चाइनीज इकोनॉमी में बनाने। आपने डी डॉलराइजेशन की बात की, मैंने जब यूट्यूब पे आपको सुन रहा था इस पे आपके जो विचार थे मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगे। ख़त्म करने से पहले हम दो क्वेश्चन पे आएंगे, एक तो ये जो डी डॉलराइजेशन है, इंडिया से बहुत सारे बच्चे अभी फॉरेन चले गए हैं ये सोच के कि शायद फॉरेन में उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, तो उनको आप क्या कहना चाहोगे अगर आप उसको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझा सको तो? देखिए, वो बहुत ही गलत टाइम पे गए हैं, आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस, क्योंकि अगर आप, मैं खाली अरिथमेटिक बता दूँ तो वो फियाट वर्ल्ड वाली फीस की पेमेंट करके गए हैं, राइट, और जब वो बाहर निकलेंगे वो इंस्टीट्यूशन से तब फियाट वर्ल्ड ख़त्म हो चुका होगा, तो हम वी विल बी इन अ न्यू पेग्ड करेंसी वर्ल्ड विच इज़ ग्लोबल फाइनेंशियल रीसेट जो कंप्लीट हो चुका होगा, तो वो सारे सर्विसेज सेक्टर वाले पे स्केल्स जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आफ्टर कंप्लीटिंग दैट एडुकेशन इज़ हाईली डाउटफुल लुकिंग एट द फैक्टर्स टूडे। तो मुझे लगता है कि टाइमिंग बहुत ही गलत चूज़ हुआ है, और जहाँ तक एडुकेशन सेक्टर का क्वेश्चन है तो वो डी डॉलराइजेशन प्रोसेस के बाद उसमें तो बहुत बड़ा रीवैम्पिंग होने वाला है, बिकॉज नो पीस ऑफ सर्टिफिकेट वुड बी एबल टू गिव यू अ गारंटी ऑफ वर्क जो पिछली दो तीन जनरेशन ने एन्जॉय किया कि हम एक टेबल पर जाके बैठ जाएंगे और एक तारीख को अमाउंट क्रेडिट हो जाएगी, और यू नो 15-20 साल का गारंटी हो गया मेरा तो बिकॉज ऑफ दैट सर्टिफिकेट। तो बहुत डायनामिक चेंजेस मार्केट में आएंगे, वेयर आई फील कि ये वाला एडुकेशन फॉर्मेट का आउटकम सही नहीं होगा जो अभी चल रहा है, विच इज़ एग्जैक्टली वाई इट्स नॉट एडवाइजेबल टू गो टू द वेस्ट, अनलेस के कुछ ऐसा करिकुलम है जो यहाँ पे अवेलेबल है ही नहीं, समथिंग विच इज़ वेरी स्पेशल और नो रिसर्च बेस्ड जो खाली वहीं पे अवेलेबल है, इफ समथिंग लाइक दैट, समथिंग विच इज़ वेरी स्पेशल, वेरी लिमिटेड, दैट काइंड ऑफ थिंग तो अलग बात है, बट अगर आप जनरल एडुकेशन के लिए वहाँ जा रहे हैं तो फाइनेंशियली इट विल नॉट मेक सेंस, दैट इज़ वेरी क्लियर, ठीक है।
और जहाँ तक NRIs का सवाल है, तो बहुत सारे NRIs क्योंकि वो अब मुझे सुनते ही हैं, तो बहुत सारे तो ऑलरेडी कंसल्टेशन ले रहे हैं कि कैसे वेल्थ वापस घर भेजना है, एंड हाउ टू कम बैक एज वेल, एंड वॉट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड करियर एवेन्यूज अवेलेबल इन इंडिया. उन्होंने ऑलरेडी सर्च करना शुरू कर दिया है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का खुद का स्पीच आ चुका जब वो फ्रांस में डायस्पोरा को एड्रेस कर रहे थे, कि फिर बताना मत कि मैंने नहीं बताया था, राइट. और अगर आपने जयशंकर जी को भी सुना हो एक पॉडकास्ट पे, तो वो बता रहे थे कि यू कैन गो टू एंड फ्रो, हाँ, वर्क कंप्लीट करके बाद में इधर आ जाओ, थिंग्स लाइक दैट. तो बहुत क्लियर है कि किस प्रकार के बड़े चेंजेस आने वाले हैं. तो आफ्टर दैट फाइनेंशियल रीसेट, आई थिंक देयर इज नो ऑप्शन बट टू इन्वेस्ट एंड कम बैक टू द इंडियन इकोनॉमी. हमारा लास्ट जो क्वेश्चन है अंकित जी, 2024 के इलेक्शन आने वाले हैं और पॉलिटिकल हलचलें तेज हो गई हैं, IDOT करके इंडिया आ गया है, उसके सामने NDA है. तो इलेक्शन का एंड रिजल्ट आप क्या देखते हो, और उसके बाद का इंडिया आप किस तरह से देख रहे हो? तो मैंने ये लास्ट ईयर ही प्रेडिक्ट कर दिया था 350 प्लस सीट्स, तो आई डोंट सी देयर इज एनी चेंज इन दैट एज ऑफ नाउ. तो 350 प्लस सीट्स इज व्हाट आई एम लुकिंग एट. और जहाँ तक चेंजेस का सवाल है, तो 2024 इलेक्शन के बाद, क्योंकि ये मोदी जी का आखिरी टर्म होगा, मोस्ट प्रोबेबली वुड बी हिज लास्ट टर्म एज द प्राइम मिनिस्टर, तो मुझे लगता है कि जो ग्लोबल रीसेट, फाइनेंशियल रीसेट 2025 में होने वाला है, उसी के साथ यहाँ बहुत सारे रीसेट होंगे. तो जितने भी विश लिस्ट है रिफॉर्म्स की, वो इलेक्शन के पहले दूसरे ईयर में कंप्लीट होती है. आपने दिस अ जनरल ट्रेंड, क्योंकि बाद में तो इलेक्शन की प्रिपरेशन में सब लग जाते हैं. तो मुझे लगता है वो ग्लोबल रीसेट के साथ ही जितने भी रिफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट है, वो एक के बाद एक आना शुरू हो जाएगा आफ्टर द न्यू गवर्नमेंट सिट्स इन. एंड यू शुडंट बी सरप्राइज्ड के शायद जो कैबिनेट के चेहरे अभी दिख रहे हैं वो शायद ना हो सारे के सारे. मैनी ऑफ देम मे नॉट बी देयर, राइट. मतलब कुछ अच्छा ही होने वाला है इंडिया के लिए. अच्छा. अंकित जी, आपके साथ ये पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग रहा. आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को भी बहुत बहुत नई नई जानकारी मिलेगी. उनको पता चलेगा कि फ्यूचर में कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए या कहाँ रहना चाहिए. तो थैंक यू अंकित जी. नमस्ते.